अभी अभी खबर आई है कि योगेश जी भारत के बहुत ही जाने माने और प्रोलिफिक लिरिक्स राइटर, उनका देहांत हो गया। कितने लोग जा रहे हैं बाप रे। और इट्स सो स्ट्रेंज टू नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी नो आर पासिंग अवे। ऑफ कोर्स योगेश जी वॉज टर्निंग ओल्ड, बट आई हैव कनेक्शन विद हिम बिकॉज माई फर्स्ट एवर सॉन्ग संग इन मुंबई वॉज रिटन बाई हिम, कंपोज बाई उषा खन्ना जी, रिकॉर्डेड एट गीतांजलि स्टूडियो विच वॉज हेमंत कुमार जी स्टूडियो, स्टिल इज़ आई थिंक। ऋषिकेश मुखर्जी का सीरियल था तलाश नाम का, उसमें मैंने गाया था। हम तो छैला बन गए रे बबुआ, छैला बन गए सावल गोरिया के दो नैना जियरा में घड़ गए रे। हम तो छैला बन गए रे बबुआ, छैला बन गए। टीवी पे आया था दूरदर्शन में गाना। फिर उनके साथ में हमने एक और एल्बम की, राजू सिंह और मैंने की थी, एक एल्बम थी कोई बात नहीं, जिसमें शंकर महादेवन भी थे, कविता जी भी थी, साधना सरगम जी भी थी, उसमें हिमाचल देसाई भी थी। उसमें एक गाना मैंने गाया था, सोचा 100 दफा कैसे कहूँ अब ये फासले कैसे सहूँ, ये ना हो सका ना ला ला ना ना, कैसे जियूं क्या करूं क्या करूं, हो सोचा 100 दफा कैसे कहूं। बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए। लास्ट में उनको मिला था किसी अवार्ड फंक्शन में, आई थिंक आई वॉज होस्टिंग दैट शो एंड ही वॉज गिवन सम अवार्ड, उनको तब इन्वाइट हमने किया था। बहुत अलग उनकी पर्सनैलिटी थी। गॉड ब्लेस हिम, आई ऑलवेज मिस हिम। जल्दी भगवान इस समय से सबको बाहर निकाले। क्या बोले, रेस्ट इन पीस योगेश जी, टिल वी मीट अगेन।